नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधान का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मुद्दा है वो पिछले काफी समय से अटका हुआ है। उसके पीछे क्या पेच है, क्यों भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना समय लगा रही है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश टीवी से चीफ रिपोर्टर हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं, और उनकी जो वीडियोस हैं वो ग्राउंड पे जाके अभी लोगों से बात करते हैं। हरियाणा की राजनीति में क्या चल रहा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसकी ओर लोगों का झुकाव है, इस पर वो ग्राउंड पे जाके लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी वीडियोज बहुत हिट भी हो रही है। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसके पीछे क्या पेच फंसा हुआ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, इंद्र जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं और एक्सटेंशन का टाइम भी लगभग खत्म हो गया है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक चुन नहीं पा रही है, उसके पीछे क्या पेच है? ऐसे रजिंदर जी, ये अजीब विडंबना है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज वो पार्टी इस स्टेज पर खड़ी है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए भी एक असहाय है। जी जी जी, जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन कर भी, हाँ, क्योंकि एक्सटेंशन खत्म हो चुकी है। जी जी। आज की डेट में अगर हम कहें कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई है ही नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जो आपने भी देखा होगा बड़े सदियों से पहले से, कि आरएसएस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू अपने किया था, विश्लेषण किया था आरएसएस और बीजेपी का इतिहास के बारे में, जी जी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरएसएस बीजेपी को, बीजेपी का फादर है और बीजेपी उनका सुपुत्र है। तो ये पेज अगर हम देखें 2014 से आते हैं, तो बीजेपी के अंदर गुजरात लॉबी और महाराष्ट्र लॉबी आमने सामने खड़ी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की डेट में गुजरात लॉबी महाराष्ट्र लॉबी पर हावी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है, ये जग जाहिर है, ये जी जी, इसमें कोई बात नहीं है जी। अब आपको बताता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आपने देखा होगा जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा में जी, पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था सिस्टम, लेकिन जब नड्डा साहब का बयान आया भी हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है जी जी, तो उसके बाद जो आरएसएस जो थिंक टैंक है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस अकेला नहीं है, उसके साथ उसके संगठन भी है, तो उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अब उस तरीके से नहीं चल पा रही। तो उसके बाद आपने देखा कि नागपुर में मोदी जी भी गए थे जी, साउथ इंडिया में मीटिंगें भी हुई इनकी, उसमें नड्डा जी भी गए थे, लेकिन वो यानी मीडिया में ये बात आई कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मन में फिर भी ऐसी कोई बात रही है कि अब वो संगठन उस तरीके से नहीं चल रहा। उसको देखते हुए थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी जिसमें मोहन भागवत जी थे, मैं आपको तरतीब बाई बताता हूँ। जी जी जी, जी, मैं चाहूंगा कि मेरे हमारे जो दर्शक हैं उनको सीधे सारी तफसीर से सारी चीजें अच्छे से समझाई जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको तरतीब बाई बताऊंगा और हमारे दर्शकों को भी पता चल जाएगा काफी हद तक कि यहां पर कहां पर पेच फंसा हुआ है। जब मीटिंग हुई उसमें राजनाथ जी भी थे, मोहन भागवत जी थे, मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, तो आरएसएस ने यह कहा कि अब या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मारा हो या प्रधानमंत्री, दोनों आपकी तरफ नहीं रहेंगे। अब प्रधानमंत्री की आपको बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 75 साल की उम्र के बाद टिक नहीं देंगे। हाँ, मैं इस पे भी आऊंगा। हाँ हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी आपके 75 इयर्स को भी अब हो रहे हैं, 17 सितंबर को जन्मदिन था उनका, कि अब आप विराम कीजिए, ये बात चली थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ का होगा, क्योंकि आरएसएस भी नहीं चाहता कि संगठन कमजोर हो, तो उसमें सबसे बड़ा पेच फंसा। जब यहां पर सोचने की बात है, जो आपने प्रश्न किया था उसके जवाब आपको मिलेंगे, आप मिलेंगे जी जी जी। उसमें संघ ने उनसे पूछा कि आप बताइए कौन सा चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी जी अमित शाह जी ने बताया कि ये चाहिए, वो कहते ये नहीं चलेगा। आरएसएस ये चाहता है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और एक
तालमेल बनाकर काम हो पार्टी का संगठन का, तो उसमें उन्होंने तीन नाम दिए। अब ये सोचने की बात है क्योंकि आरएसएस को भी पता है। वो तीन नाम थे, एक संजय जोशी, एक वसुंधरा राजे, एक शिवराज चौहान जी। और तीनों ही नाम गुजरात लोबी को अंदर खाते सेट नहीं हो रहे क्योंकि वो तीनों ही डिफरेंट है, उनके कार्यशैली डिफरेंट है। सुंदर राजे की, संजय जोशी जी, संजय जोशी जी के बारे में बताता हूँ। संजय जोशी जी का जन्म 6 अप्रैल, मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएसएस ने ये नाम क्यों दिए, तीन नाम। वो इस जब तीन नाम आए तो गुजरात लोबी के हाथ पैर फूल गए। इन तीनों का का मतलब है, अगर तीनों में से कोई आता है तो गुजरात लोबी का जो रुतबा अपर है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। अब मैं बात करता हूं संजय जोशी जी की। संजय जोशी, उनका जन्म 6 अप्रैल को हुआ था और इंजीनियरिंग की है। और यहां पर सोचने की बात यह है कि संजय जोशी नागपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, संजय जोशी के बारे में भी जानना चाहता हूं। संजय जोशी नागपुर से थे और मोदी जी के टोटली विरोधी। अच्छा, टोटली विरोधी। अगर मोदी जी उत्तर है तो संजय जोशी दक्षिण है, कार्यशैली बिल्कुल डिफरेंट है। जब आपको एक चीज और बताता हूं, छोटी उम्र में वो प्रचारक बन गए संजय जोशी जी। जब गुजरात में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी, इनको गुजरात में लगाया गया जब मोदी जी को सीएम बने पहली बार, तो इन्होंने वहां पर कैडर स्ट्रॉन्ग किया। कैडर ऐसा संजय जोशी ने स्ट्रॉन्ग किया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग जो है कोई भेद नहीं सका गुजरात में। गुजरात में तो उसके बाद इनमें मनमुटाव शुरू हो गया और मनमुटाव भी बहुत हाई लेवल का मनमुटाव हुआ। तो अब मोदी जी और अमित शाह जी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि संजय जोशी आए। अच्छा, और संजय जोशी जी अगर आते हैं तो नेचुरली अपने साथ संगठन चलाएंगे और मोदी जी ये चाहते हैं कि मेरे संगठन में भी पावर बनी रहे, सरकार में भी बने रहे। अब संघ इस बात को मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहे, हमें ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर जब ये लगा कि जब संजय जोशी का नाम आया तो नेचुरली गुजरात जो लॉबी है अस्वस्थ हो गया। तो वो कहे चलो आप एक नाम और दो। दूसरा जो नाम था वो उससे भी खतरनाक, वसुंधरा राजे। और जो तीसरा नाम शिवराज चौहान, और शिवराज चौहान जी एक लीनियंट है, इतने अग्रेसिव नहीं रहते लेकिन एक बहुत अच्छे संगठन करता है। तो इसमें अगर शिवराज चौहान जी आएंगे तो केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल में जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नेचुरली छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो संवैधानिक पद है। बट अगर संगठन में आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रूल होता है, अगर हम शब्द खाते हैं कैबिनेट की, उसमें ये कहते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक द्वेष के देश हम काम करेंगे। इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा किसी भी पार्टी का, उसका जो एज ए प्रिंसिपल वो कैबिनेट में नहीं रह सकता। अगर रहता तो संविधान की वो शब्द उसका क्या स्टैंड रहा। बिल्कुल ठीक। अब बात आई, अब आरएसएस ने, आप देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, मीटिंगें कॉल कर ली और अब मीटिंग जो हो रही है राजस्थान में हो रही है। आरएसएस ने राजस्थान ही क्यों चुना, यही प्रश्न है। दो दिन से राजस्थान में मीटिंग हो रही है। अब आरएसएस यहां पर पत्ता यह फेंक रही है वसुंधरा राजे को कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, ये बन जाए मुख्यमंत्री राजस्थान। अच्छा, की और वो भी कहीं ना कहीं तस्करी होंगी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, क्योंकि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री वाला एपिसोड जो पिछले हुआ था, तो भजनलाल जी बने थे हम मुख्यमंत्री, तो नेचुरली वो कहेंगे कि हाँ मैं स्टेट में हूं। अगर वो स्टेट में आती है तो फिर कौन कौन रह गया आगे, संजय जोशी। अगर संजय जोशी आता है तो नेचुरली है कि गुजरात लोपी का कद बहुत कम होगा। और उसका कारण बताता हूं, संजय जोशी नागपुर से है, नितिन गडकरी जी नागपुर से और शंकर अले नागपुर से। संजय जोशी का आने का मतलब है कि महाराष्ट्र आरएसएस एक प्लानिंग के साथ आ रहा है, कोई आरएसएस पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर रहा। मैं आता वहां, लेकिन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो प्योर है, और संजय जोशी जी आप किसी से पूछ लीजिए संगठन करता है। अगर उनके पास कोई काम करने जाता है तो आप ये यकीन करोगे बात का आज की डेट में जी।
अगर आपको कोई काम है ना, काम होने के बाद उनका पीए खुद आपको फोन करता कि आपका काम हो गया। किनका? संजय जोशी जी का। अच्छा, इस लेवल के। तो अगर वो मानते हैं तो गुजरात लोबी कहां स्टैंड करी आपको पता है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, आरएसएस और गवर्नमेंट तीनों की कार्यशैली एक कहते हैं चौराहे पे खड़े हैं तीनों। अब आरएसएस ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी जब सुंदर राजे हो, आरएसएस का हो। अब जो दूसरा आ गया भारतीय जनता पार्टी, तीसरा आ गया ये अपनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में प्रॉब्लम ये पड़ गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर, हिंदुस्तान के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है। सारी बातें, सारी प्रत्यय आज आप आए हैं डॉक्टर साहब, तो सारी प्रत्यय हम खोलेंगे, बात करेंगे सब चीजों पे एक एक करके। सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पेच है उस पर बात करना चाहता था। आपकी बात से जितना मुझे समझ आता है तो मुझे ये लग रहा है कि अब आरएसएस जो है वो सीधा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट में। इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं कह रहा, आप फिर उसी को करो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अलग बात है। अगर आप मेरी मेरी बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और अगर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस से होगा तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आरएसएस से होगा, विचारधारा आरएसएस की विचारधारा वाला इंसान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा। आरएसएस का मतलब नहीं है, और जिन्होंने काम किया है भारतीय जनता। अब इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं जी, जा तो वो कह रहे हैं कि अच्छा हो सुनो क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर संजय जोशी नहीं बनते अध्यक्ष फिर महासचिव की पोस्ट उनको देंगे, और महासचिव की बीजेपी में जो पोस्ट सबसे बड़ी होती है, यानी कमांड जो आरएसएस अदृश्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर रखना चाहता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी है जो उसके दायरे में रहकर काम करे। दायरे में नहीं, नीति है, जो दायरा अलग होता है, नीति है जो जो भारतीय जनता पार्टी। बात वही है, आप कान को यहां से पकड़े, यहां से पकड़े, बात वही है, दायरा है और नीतियां, क्योंकि नीतियां जो होती हैं वही दायरा तय करती हैं। जो जिस सिद्धांत के साथ भारतीय जनता पार्टी बनी थी, आरएसएस सिर्फ यही चाहता है कि वो सिद्धांत बरकरार रहे। अब आज की डेट में मोदी जी, अब आप देखिए मीटिंगें हो रही है हाई लेवल की, पेच फंसा हुआ है स्टेट बीजेपी में, क्या हो रहा है गोवा की जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी आपातकालीन मीटिंग। मैं आ रहा था वहीं पे कि आप इस पे भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सारी चीजें डिटेल से बताएं। मुझे केंद्र सरकार में भी सब कुछ अभी जो है वो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, कुछ हॉचपॉच ही लग रही है सरकार बहुत ज्यादा। अभी पिछले दिनों में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन पर भी एक एफआईआर दर्ज हुई है, कोई जबरन वसूली और कुछ इशू था उसपे। तो इसी तरह से अब जैसे आपने स्टेट्स की बात की, स्टेट्स में भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ पहले जैसी स्थितियां बनती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका ढांचा एक ऐसा रहा है उसमें कभी भी विद्रोह या विरोध या बगावत नहीं होती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं स्टेट वाइज, अब हरियाणा की ही बात करें तो हरियाणा में जैसे ही पहली लिस्ट जारी होती है तो बहुत सारे लोगों ने अपने इस्तीफे दे दिए, लोग बागी हो गए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इसके पीछे के क्या रीजन है? इसका रीजन एक है, जब तक भारतीय जनता पार्टी को सशक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलता जी, तब तक नीचे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अब तक इसका ढांचा जो होता है मजबूत बना जाता है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। आप भी देखना, जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है उसके बाद एक्सटेंशन पे करते हैं तो वो साल वो अपनी मर्जी से जाता है, उसको इंटरेस्ट नहीं होता कि मर्जी से टेंडर लगा के घर आ गए, ये होता है एक्सटेंशन में, यही होता है ना। तो जब पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा तो अभी नीचे वाली जो प्रॉब्लम है ये दूर होगी, उससे पहले नहीं होगी। अब सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो ये सबको सेट कर सके। अब आप देखिए पंजाब में सुनील जाखड़ जी, अभी सुनने में आया था, मैंने भी सुना था कि वो रेजोल्यूशन देने गए विजय रूपानी जी को, एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। और उसके बाद गोवा में क्या क्राइसिस हुआ जी, ये जो ऊपर जब स्ट्रांग नहीं होगी ना तो नीचे अस्त व्यस्त होगा। ये आपको बता दूं आने वाले 8-9 तारीख तक सब फाइनल हो जाएगा। अच्छा, ये हरियाणा के इलेक्शन, और सबसे क्या ब्रिमणा देखिए, ये सब क्लेश जो पड़ा है इलेक्शनों के दौरान पड़ा है। हाँ, और अहम चीज ये, और आप ये चीज और देखिए, ये इलेक्शन हो रहे हैं
अब आप, आपको बताऊंगा बीजेपी का क्या अनुशासन है। उपराष्ट्रध्यक्ष है नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर हो रहा है उसका असर जहां पर इलेक्शन हो रहा है वहां पर नहीं पड़ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है और आरएसएस भी चाहती है कि ये दो इलेक्शन एक बार निकल जाए, उसके बाद हम करेंगे, और ये तब तब होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही कि आरएसएस ने मोदी जी को कहा कि 75 साल आपके पूरे हो गए, उम्र आपकी 75। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता या पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं रह सकता, उसके बारे में आरएसएस के स्टैंड के बारे में कुछ क्लियर करेंगे कि आरएसएस का क्या स्टैंड है उसके बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये राष्ट्रीय लेवल मीटिंग में ये कहा था कि 75 साल जिसकी आयु होगी है वो राजनीति में नहीं आएगी जी, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, जो भी हो। जो रूल बना था भारतीय जनता पार्टी में, 75 साल के बाद भी राजनीतिक तौर पर एक संन्यास होता है, बीजेपी ने मार्गदर्शन मंडल बनाया जी, ठीक है ना भाई, अब आप पार्टी की निस्वार्थ भावना से सेवा कीजिए। अब वो रूल तब बना जो नड्डा साहब थे, मोदी जी थे, अब वो रूल सब पर लागू होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर ये रूल किसी भी लीडर पर नहीं लागू हुआ तो नीचे संगठन हिल जाएगा। अब इस बात के लिए भी आरएसएस ने भी कहा कि अब आपने रूल बनाया है तो मोदी जी, अब आप 75वें साल लगा उनको 17 सितंबर को कि अब आप ही रिटायर हो जाइए, रिप्लेस कर दीजिए, अपनी जगह आप दूसरे को बनाइए, दूसरा अपना उत्तराखंड दीजिए। उत्तराखंड एबीसी नितिन गडकरी जी ने भी अपना नाम कहा है, उन्होंने ये भी कहा था, विपक्ष ने मुझे ऑफर भी किया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने अपना दावा किया। तो दावे सभी करते हैं, हाँ बिल्कुल, राजनाथ जी, अमित शाह जी, योगी जी, सभी करते दावा करते हैं, महत्वाकांक्षा की बात है, और जय भी। हाँ तो उन्होंने कहा, अब यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री रिप्लेस हो। अच्छा, अगर देखो, अगर रूल सेटअप करते हो, जो नया अध्यक्ष आएगा, अगर संजय जोशी आ गया नया अध्यक्ष, नेचुरली वो कहेंगे कि आपने रूल बनाया तो ये आप पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। मेन प्रॉब्लम ये है गुजरात लोबी को, किसी तरह से वसुंधरा और संजय जोशी का हाथ रोका जाए, और संजय जोशी के मगर आरएसएस का हाथ पूरा, पुराने लीडर है, तो मोदी जी को पता कि जब वो आ गए तो सिस्टम सेट नहीं होगा, जो इस वक्त चल रहा है वो नहीं होगा। आप भी देख, अगर इनमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई आता है ना, जो इस वक्त अपर लेवल पर लीडर है ना, आप ही देखना, और दर्शक आप भी देखना सब जी, कि उस इस वक्त जो अपर लेवल बीजेपी के है ना, उस सब डाउन आ जाएंगे। जो इस वक्त घरों में बैठे हैं पुराने लीडर, वो नेचुरली बाहर आएंगे, जो कैडर है वो बाहर आएगा, कैडर नेता सब बाहर आएंगे। अब आपको बता दूं, अभी बातचीत चल रही है, संजय जोशी जी के घर के बाहर सिक्योरिटी ज्यादा होगी, अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन नाम उनका सबसे आगे है, सभी केंद्रीय मंत्री जाना शुरू कर दिए उनके घर में, संघ के पदाधिकारी जाने शुरू कर दिए, सिक्योरिटी टाइट होगी। इसका मतलब आरएसएस का कंसेप्ट पूरा क्लियर है कि अब भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं चलेगी, सिस्टम से चलेगी, अनुशासन से चलेगी। उनको भी चाहिए, वो भी कहते हैं कि रबर स्टैंप हमें नहीं चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा होना चाहिए जो पार्टी को, जो सारी पार्टी को एक कट्ठा लेकर चल सके। डॉक्टर साहब, आप एक आखिरी सवाल की बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, फिर से वही जो आप बता रहे हैं, संजय जोशी का नाम ले रहे हैं आप, वसुंधरा राजे की बात करें, शिवराज चौहान की बात करें, इनमें से कोई हो सकता है, यानी कि आरएसएस चाहता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो आरएसएस से हो कहीं ना कहीं, है ना, और ये और आरएसएस से भी हो, जो ये लोबी आप हो रही है उस पर भी लगाम कसे। हाँ, वो दो बातें, हाँ, एक मतलब आरएसएस की सोच है कि एक पर्टिकुलर लॉबी हावी ना हो, पूरा देश जो है वो संगठन को चलाए, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए, ये जो पेच है या जो चीजें डिसाइड है, ये कब तक हो जाएगी? ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसे है जी, ये हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली 8-9-10 तक ये करना ही पड़ेगा इनको। तो कहने का मतलब कि आने वाले नेक्स्ट वीक में, मतलब अच्छा, और बताइए, और बात बताता हूँ, ये मीटिंगें अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह जी ने मीटिंग एकदम कॉल कर ली, गोवा में सीएम कैबिनेट मिनिस्टर अखिलेश पड़ा, रात भर मीटिंग चल रही। और सुनो, और बात सुनिए, जब इनको पता चला गुजरात लॉबी को कि संजय जोशी आ रहे हैं, सुनिए, अमित शाह जी ने प्रोग्राम छोड़कर सीधा नागपुर चले गए। अच्छा, नागपुर में प्रोग्राम किया, नासिक में प्रोग्राम किया,
सभी संगठन जो पदाधिकारी थे आप इकट्ठे हो अनुशासन में रहो, यानी इतना खौफ है संजय जोशी का। अब इनके दोनों के मन में है कि संजय जोशी को रख रोका जाए, चाहे वसुंधरा राजे अध्यक्ष बन जाए, शिवराज चौहान बन जाए, संजय जोशी आ गया तो बहुत कुछ चेंज होगा आने वाले समय में। आप भी यहां पर, मैं भी यहां पर, फिर भी आपको बताऊंगा अगर ये दाव आरएसएस का ठीक पड़ गया, संजय जोशी बन गया, तो आप देखना बीजेपी में कितनी चेंजिंग होगी 3-4 महीने के अंदर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस समय जो गुजरात लॉबी, स्पेशली आप गुजरात लॉबी की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उनके लिए संजय जोशी जो है वो एक खौफ का कारण, खौफ है बहुत भयंकर, एक खौफ होता है, एक टेरर होता है। ये तो जग जाहिर है, हम जो बात कर रहे हैं ये कोई अभी से बनाई हुई बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के सभी लोगों को पता है कि संजय जोशी और अमित शाह और मोदी का 36 का आंकड़ा है, 36 से 36+36 लगा लो इस तरीके का। अब उसके नाम के आने के बाद देखो संजय जोशी का नाम आया, ये भी एंटरप्रेन्योर ही है। हाँ, बट ऑब्वियस और क्या, आरएसएस ने किसी और का नाम ही ले दिया जी। इसका मनसूबे क्या है उनके कि ये जो है सिस्टम इसको रोकना है किसी तरीके से, किसी एक लॉबी का एकाधिकार खत्म करने की बात आप कह रहे हैं। यही तो संसंग ने भी ऐसे कहा है। अच्छा, सभी कह रहे हैं, नाम तीनों नाम है, तीनों नामों की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, ये जो नाम है ना, तीनों नाम है जो संजय जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, ये तीनों ही गुजरात लॉबी द्वारा कहीं ना कहीं पीछे से सताए हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हो आप, पीछे देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव आए हैं, उसमें देखिए क्या हुआ, शिवराज चौहान के साथ, वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ, जी जी जी, पर्ची निकली थी ऐसे, राजनाथ जी ने पढ़ाई हुई पर्ची, जी 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 जी, विधायक नेता में उनके दो पर्ची देकर कैसे हो गई थी, बिल्कुल। ये तीनों सताए हुए हैं, और इन तीनों में से आरएसएस देते सबसे ज्यादा सताया हुआ कौन है जी, वो संजय जोशी है, तो संजय जोशी को करा देंगे। तो ये अरविंदर जी हमारा विश्लेषण होता है, हम कड़ियां जोड़ते हैं जी प्रेजेंट में क्या है, उस कड़ियां जोड़कर एक पिक्चर बनती है, ये वो पिक्चर बताते हैं, और इतफाक ये होता है कि जो पिक्चर हम बनाते हैं वही पिक्चर आगे आ जाती है कहीं ना कहीं। ऐसा हो, पिछले बहुत सारे ऐसे में हुआ है। हाँ, लेकिन मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमने बातें की हैं एक एनालाइज करके की है। सो आने वाले समय में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा है वो किस तरह से हल होता है, डॉक्टर साहब के अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस से होता है तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेता है, या गुजरात लॉबी की बात करूं तो उनके लिए ये खौफ का कारण बन सकता है। क्या जो भी होगा ये आने वाले समय में आपके सामने होगा, तब तक के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, या आप कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आपके हर सुझाव का हमारे अर्थप्रकाश टीवी की ओर से स्वागत है, और देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रजिंदर जी, धन्यवाद जी।